हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प सीरीज यूट्यूब चैनल। आइए, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का डाटा अपने कंप्यूटर में बिना किसी डाटा केबल के और बिना किसी नेट के कैसे भेज सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा और एक्सजेंडर से कनेक्ट होना होगा। एक्सजेंडर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसे आप एक बार ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो पे आते हैं। जब आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का डाटा अपने मोबाइल में भेज रहे होते हैं, तो सबसे पहले जिस भी डाटा को अपने मोबाइल में भेजे उस डाटा पर क्लिक करें और उसे उठाकर इस मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर रख दें। इस मोबाइल के ऊपर रखने के साथ वो डाटा आपके मोबाइल में आ जाता है। चलिए, इस जैसे कि हम इस वाले फ़ोटो को अपने मोबाइल में भेजना चाहते हैं, तो इस फ़ोटो पर हम डबल क्लिक करेंगे और उसे उठा के इसके स्क्रीन पर रख देंगे। स्क्रीन पर रखने के साथ ये फ़ोटो हमारे मोबाइल में पहुंच गया। यदि हम इस गाना को अपने मोबाइल में भेजना चाहते हैं, तो इस गाना पर डबल क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके इसके स्क्रीन पर ला के रख देंगे। ये अपलोडिंग लेगा। अपलोडिंग के साथ जितना MB का होगा उतना समय के अंदर ये हमारे मोबाइल पे पहुंच जाता है। तो देखिए इसका स्पीड कितना फास्ट है। इस प्रकार आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का डाटा अपने मोबाइल में बड़ी आसानी से भेज सकते हैं, बिना किसी डाटा केबल के और बिना किसी नेट पैक के। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।